सो गाइज वेलकम टू अ न्यू एपिसोड जहाँ पे हमने सब कुछ मतलब सब कुछ ऑर्डर करा है सीसीडी कैफे कॉफी डे हमारा प्रिया इंडियन कॉफी वाला ब्रांड एंड मेरी एज के जो मिलेनियंस हैं काफी लोग हुए जिन्होंने पहली डेट पहली बार लड़की देखना या फिर कोई इंपॉर्टेंट जीवन की मीटिंग कैफे कॉफी डे में जरूर करी होगी, सबकी यादें जुड़ी है कैफे कॉफी डे से। तो आज हमने सब कुछ ऑर्डर करा है मतलब खाने का सब कुछ और दो कॉफी और इसी का हमारा बिल आया कुछ अराउंड 2100 आफ्टर डिस्काउंट। तो एक एक करके हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जो डिलीवरी देने भी आया था ना बोला यार उनको तो फिक्स ही मिलते हैं एक पैकेट उठाना पड़ा चार चार पैकेट उठा के लाओ ज़्यादा ही वर्क हो गया है उसका। तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है कैफे कॉफी डे की नो प्लास्टिक यूज। तो सबसे पहले नाचोस भी मिल रहे तो नाचोस मंगाए हमने बीट रूट नाचोस। वाह वाह ये दो ही आते हैं एक ही ऑर्डर में फिर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं बनाना चिप्स। ये हो गया पहला पैकेट और ये है कॉफ़ी बिस्कुटी। ओहो ये तो अलग ही लेवल की है और यहाँ पे मेरे ख्याल से बिल भी लगा हुआ है। ये देखिए ये हमारा बिल है लंबा चौड़ा सा प्राइस नहीं लिखा हुआ लेकिन कुछ 15 आइटम है 15। अब इसको खोल के देखते हैं। ओहो दो दो ग्लास भेजिए आई लाइक इट कैफे कॉफी डे। ओहो कटलरी चटनी ओहो देखो अलग से भेजी है चटनी कुछ सीखो मैकडोनल्ड्स वालों एक इंडियन कंपनी कितनी दिलदार है इतनी सारी चटनियाँ भेजी है तुम लोग चार्ज करते हो। दिस इज द फर्स्ट आइटम इसमें अकेला नहीं है गार्लिक ब्रेड ही कम से कम 5 टाइप की होगी इसमें भी वो नॉनवेज का वेज और नॉनवेज अलग अलग पैक करा है मतलब ये चीज़ अच्छी लगती है QSR की कि वेज नॉन वेज अलग पैक करा है मतलब आप देखो पूरा टेबल भर जाएगा हमारे से टेबल दिखाइए कितना टेबल भर चुका है हमारा और भी सामान निकले ही जा रहा है बस निकले ही जा रहे हैं गाइस। ये तो हो गया खाने पीने का सामान अब कैफे कॉफी डे से मंगवाया खाना ही हमने मंगवाना था सब टाइप का लेकिन हमने तो वैसे कॉफी मंगवाई थी आइस अमेरिकानो फिल्टर अभी भी चिल्ड है मतलब क्या पैकिंग है देखो आइस्ड मोका। सो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं नाचोस को द बीट रूट नाचो विद स्पाइसी पेपर। ये देखिए गाइस वाह अच्छे हैं तो इंडिविजुअली 50 रुपए का ये पैकेट एंड दिस इज वेरी नाइस यार वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट मेरे फेवरेट बनाना चिप्स वेरी नाइस जो शार्क टैंक पे हमने खाया था ना उससे बेटर है दिस वो ओनली 50 वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो पहले पैकेट वाला खाना खा रहे हैं दिस इज कॉफी बिस्कुटी। बिस्कुटी का मतलब इटालियन में होता है डबल टोस्टेड ये कुछ एनर्जी बार टाइप लग रही है भाई साहब। अरे वाह क्या स्वाद है चॉकलेट नट्स और कॉफ़ी यहाँ पे तो दो आती हैं बिकॉज ऑफ डिलीवरी चार्जेस ये आप 25 रुपये का ले सकते हो। आई थिंक दिस इज वाह मज़ेदार मतलब ये मैं बताते रहूँगा क्या क्या रेकमेंडेड है मेरी तरफ से दिस इज रेकमेंडेड। अब थोड़ा बहुत कुछ पी भी लिया जाए इन्होंने तो ग्लास भेजे अच्छे वाले हम ये ग्लास कभी और यूज़ करेंगे पहले हम देखते हैं आइस अमेरिकानो कैसी है मतलब ये होती है ब्लैक कॉफी जो ठंडी करके पी जाती है और आपको पता है आइस अमेरिकानो को US में क्या बोलते हैं कोल्ड ब्लैक कॉफी। परफेक्ट वेरी गुड कॉफी कैफे कॉफी डेली तो कॉफी अच्छी होगी ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेजिटेरियन फूड से हमें नहीं पता क्या आने वाला है और हम सब कुछ झूठा भी नहीं करेंगे। ये है किसी पनीर टाइप का टोस्ट लुक एट दिस भाई साहब हम तो इसको भी आधा करके खाएंगे बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट फूड एंड मोटा भी नहीं होना। अरे क्या कढ़ाई पनीर का फ्लेवर ना मज़ा आ गया। पैकिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा है
ये स्पिनच वाला है, ये मेरा जो ओपन सैंडविचेस हैं। एक टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने काम करना शुरू करा था ना, देखो आप काम करना शुरू करते हो ना तो आपको, वो मेरा था रियल एस्टेट का काम, तो मैं मोस्टली बाहर ही रहता था। और बेस्ट सबसे सस्ता जुगाड़ू जो मेरा फेवरेट लंच होता था ना, किसी भी कैफे कॉफ़ी डे जाओ, कैपेचिनो लो और उनका कॉर्न एंड चीज़ सैंडविच वो ग्रिल करके टोस्ट करके देते थे। आई थिंक 100-150 रुपये या 200 रुपये लगते थे, और वो मुझे उस दिन लगता था यार ये लंच मेरे लिए लग्जरी है, मज़ा आ गया करके, वरना 100 रुपये में मैकडॉनल्ड्स में भी निपट जाते थे। तो हाँ, मुझे पता है कि मैकडॉनल्ड्स एंड एवरीथिंग रोज़ नहीं खाना चाहिए, बट जब आप अपना करियर बिल्ड कर रहे होते हो ना, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो एंड हैव हेल्दी, और खाना भी हर वक्त साथ नहीं खा सकते, तो दैट इज़ अ थिंग। एक आगे देखते हैं, दिस लुक्स अमेजिंग, और नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है जब करियर स्टार्ट किया था, वो बात नहीं है लेकिन डिसेंट है। नेक्स्ट चीज़ अनबॉक्स करते हैं, ये है, ओके ये मेरी फेवरेट है, ये है चीज़ गार्लिक ब्रेड। चेडर चीज, मिर्च, लाल मिर्च, स्वीटनर ऑफ चीज़ और चिली का जो मिक्सर है, चिली चीज़ टोस्ट इज ऑल्सो मस्ट रिकमेंड। तो मैंने दो चीज़ आपको मस्ट रिकमेंड करी है, पूरा मेन्यू ट्राई करने का फर्ज यही होता है कि आपको मस्ट ट्राई चीज़ें बता सकते हैं, एंड दीज आर देयर सब सैंडविचेस। आपको खोल के दिखाते हैं, पनीर, म्यूनीस, लेट्यूस, टमाटर। कैफे कॉफी डे से कोई देख रहा है यार, प्लीज़ ब्रिंग बैक दैट वो ग्रिल वाले सैंडविच, ना मज़ा आता था खाने के। आई वुड से डिसेंट, नॉट दैट गुड जो ये सैंडविच खाए। तीन ड्रिंक्स है तो एक और पी के देखते हैं। फिल्टर कॉफी, ये ठंडी फिल्टर कॉफी, ठीक है, मतलब इतनी बढ़िया नहीं है। अमेरिकानो वॉज गुड एंड ये ठीक ठाक है, मतलब वो एकदम ना बिल्कुल फ्लेवर नहीं आ रहा फिल्टर कॉफी का। इससे बेटर पी रखे मैंने गार्लिक ब्रेड, मुझे लगा सैंडविच के अंदर कुछ डालना बोल रहे हैं, सीरियस लगा भाई सैंडविच, और ये सैंडविच के अंदर कुछ डाला ही नहीं, गार्लिक ब्रेड है। दिस इज द प्रॉब्लम, ब्रेड की क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा खाने तक थोड़ा बहुत ऐसा हाल हो गया, बच्ची मतलब बटर और गार्लिक का जो फ्लेवर होता है, दिस इज स्टिल रिकमेंडेबल। लास्ट वेजिटेरियन चीज़ उठा रहा हूँ, हम देख के डर लग रहा है, तो ये जो लाल लाल ब्रेड डाल रखे ना उन्होंने, सैंडविच इतने अच्छे नहीं लगे मुझे, दो सैंडविच टेस्ट करे, टोस्टीज काफ़ी अच्छे थे। जैसे आइस मोका, आइस मोका इज नथिंग बट छोटे बच्चों की कॉफ़ी, ऐसा क्या मीठा डालना भूल गए। अमेरिकानो इज नंबर वन चॉइस, आज बोलो नॉन वेजिटेरियन भी डिसअपॉइंट ना हो तो नॉन वेज भी है, ये नॉन वेज टेस्ट करते हैं, इसमें कुछ हैम टाइप लगा हुआ है, तो हैम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मन नहीं करा सैंडविच बनाने का, दो सैंडविच बेकार थे, टोस्टी से तो आग लगा रखी थी, दो डिसअपॉइंटिंग डिशेस खाने के बाद ना सैंडविच जल्दी सैंडविच की कैटेगरी में, तीसरा खाने का मतलब लग रहा है कि जोखिम उठाना, देख लो भाई क्या है इसमें, हटा यार सामने हटा गाइस, नहीं नहीं मेरा हो चुका है इसका। ब्रेड की क्वालिटी तो सेम ही है, टमाटर भी मोटे मोटे डाल रखे हैं, ये ठीक है। ये था हमारा पूरा कैफे कॉफी डे का पूरा मेन्यू, खाने का हर चीज़ मंगवा रखी हमने, पेस्ट्रीज नहीं मिलती थी क्योंकि जब लोग डेट पे जाते थे, जब कोई भी डेट पे जाता था हमारी एज का मिलेनियम्स, तो क्या ऑर्डर में होता था, डेविल्स कॉफ़ी पी ली, कैपेचिनो पी लिया, और वहाँ पे ना एक चॉकलेट पेस्ट्री मिलती थी, इसको पिघला के आइसक्रीम उसको उगा के खाते थे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो उस भी खा लेते थे, बट वो यादें हैं कैफे कॉफ़ी डे की। और आई होप ये ब्रांड सदा बहार चलता रहे, लेकिन सैंडविचे चेंज कर लो, बड़े बेकार सैंडविचेज है। बींग अ इंडियन आई सपोर्ट कैफे कॉफी डे, बिकॉज
लोकल चीज़ें ही प्रमोट करनी चाहिए मोस्टली। तो अगर आपने समझना हो डिटेल में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी कैफे कॉफी डे, थोड़ा अच्छा सा मेन्यू आपके साथ हम लोग करेंगे। सो ऑन दैट नोट, दिस इज़ अ होस्ट निखिल चावला विद अ वेरी सेटिस्फाइंग कॉफी सेशन एंड सैंडविचेस। टेक केयर गाइज़।